तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की मां की कृपा से हम लोगों को ये समझने को मिला कि भगवान और भगवान का विग्रह और भगवान का स्वरूप एक ही है, ये तीनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं। इसीलिए वो चिन्मय जगत के अंदर हर वस्तु एक ही होता है। वहां पर देह देही नाम नामी इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं होता जैसे कि इस संसार के अंदर में होता है। आगे ये बतला रहे हैं ये जो सिद्धांत है देह देही का एक होना नाम नामी का एक होना वो इस संसार में लागू नहीं होता। जिस प्रकार से आग को याद करने से वो कहीं आग लगता नहीं है, अग्नि एक अलग वस्तु है और उसका नाम अलग है, ठीक उसी प्रकार से पानी को भी अगर हम लोग पानी पानी करके लाखों बार उच्चारण करने के बाद भी हमारा कभी भी प्यास नहीं बुझ सकता, क्योंकि ये संसार के अंदर वस्तु अलग है, उसको संबोधन किया जाता है जिसको वो नाम अलग है। लेकिन भगवान का जिस प्रकार से नाम है वो कभी भी इस प्रकार से अलग नहीं है। नाम और नामी एक वस्तु है, ये चीज हम लोगों को समझना होगा। अगर हम लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो मतलब वो साक्षात भगवान के साथ में अपने संपर्क साध रहे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसी चीज को आगे हम लोगों को बतलाया, क्या बोलते हैं भगवान का जो नाम है और भगवान का श्री विग्रह और भगवान का जो दिव्य लीला है, मतलब उनके क्रियाकलाप जितने भी माने जाते हैं, बोलते हैं वो सब प्राकृत इंद्रियों के द्वारा गोचर वस्तु नहीं है। इसलिए बोला अतैव कृष्णेर नाम देह विलास, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है और उनका शरीर है, विलास मतलब उनकी जितनी भी लीलाएं उनकी क्रियाकलापें जितने भी हैं, वो बोलते प्राकृतेंद्रिय ग्राह्य नाहे। प्राकृतेंद्रिय मतलब ये जो इंद्री है जो कि जड़ इंद्री है, इस संसार में फंसा हुआ जो इंद्री है उनके द्वारा क्या है ग्राह्य नाहे, वो उनके द्वारा उनको समझ में आने वाले वस्तु नहीं है और उनके द्वारा ग्रहणीय वस्तु नहीं है। मतलब अपने कोई भी इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को पकड़ ही नहीं सकते ना समझ सकते। और साथ में क्या बोल रहे हैं हय स्वप्रकाश,
और अगर होता भी है तो भगवान स्वयं प्रकाशमान होकर अपने ही निज इच्छा से, अपने ही कृपा से वो प्रकाशित होते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद उनका नाम है, और उनके जितने भी गुण हैं और उनके जितने भी लीलाएं हैं, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद, सब क्या है, चिदानंदमयी है, वो इस जागतिक आनंदमयी नहीं है कि वो चिन्मय आनंदमयी है। इसीलिए वो जो आनंद है वो नित्य होता है, वो आनंद पूर्णता के साथ में युक्त होता है। वो बोलते हैं कृष्ण नाम और उनके गुण और लीला वो भी कृष्ण के ही समान है, उनके स्वरूप के समान है, कोई भी भिन्नता नहीं है। ऐसे कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के इसी वाणी को समर्थन करते हुए हमारे पूर्व आचार्य श्री रूप गोस्वामी पाद अपने हरि भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर पद्म पुराण की इस उक्ति को लिखते हुए बतलाते, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरत तद। ये क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक कहाँ का है? वो बोलते हैं पद्म पुराण का श्लोक है जिसके अंतर्गत इस बात को बतलाया गया। जब एक जीव इस चीज को अनुभव करने लगता है कि वो उसका वास्तविक स्वभाव भगवान का नित्य दास होना है, तभी भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि उसके उस आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित होते हैं। मतलब है कि जो प्राकृत ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कभी भी भगवान को नहीं समझा जा सकता है, अपने स्तर को ऊपर उठाना ही पड़ता है, जिसके अंदर एक साधक को इस संसार की अवस्था से बाहर निकलना पड़ता है। यहाँ पर बताया, अतः श्री कृष्ण नामादि भगवान के जो नाम आदि, मतलब है कि नाम रूप गुण लीला आदि का मतलब है कि नाम के साथ युक्त जो कुछ भी है भगवान से संबंधित, उन सब के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यमेंद्रिय, वो बोलते हैं इंद्रिय ग्राह्य वस्तु हो ही नहीं सकता, कभी भी संभव ही नहीं है कि वो इंद्रियों के द्वारा प्रयोजनी प्राप्य वस्तु है, वो मिल सकता है किसी को, तो इसका मतलब बोलते हैं आशा छोड़ दें। वो बोलते हैं नहीं, सेवन मुखई व जीवादो, वो बोलते सेवोन्मुख होना पड़ेगा, जीवा तो मतलब जीवा आदि के द्वारा, और ये भी है कि जीवा आदि रूप से जीवा के साथ में, मतलब है कि जीवा तो मतलब है पांच प्रकार के जो ज्ञानेंद्री है वो सब उसमें आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वप्रथम जीवा के द्वारा, मतलब है सबसे पहले जीव के द्वारा भगवान की सेवा कैसे करेंगे, वो बोलते उनका नाम उच्चारण करके। इसलिए जीवा से भी सेवा करनी है, नासिका से भी करना है, चक्षु से भी करना है, कर्ण से भी करना है, और उसके बाद शरीर से भी करना है। ये पांचों ही ज्ञानेंद्रियों से भगवान का सेवा को हम लोगों को करना होगा, लेकिन मुख्य रूप से इनमें से भी क्या बतला रहे हैं कि हमें अपने जीवा के द्वारा भगवान का दिव्य सेवा में नियुक्त तो होना पड़ेगा। इसलिए बोले सेवोन्मुख ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरित। ऐसा नहीं है कि भगवान कभी भी समझ में आएंगे ही नहीं, अपने प्रयास के द्वारा नहीं समझ में आएंगे, वो एक अलग विषय वस्तु है, किंतु भगवान कृपा करके जो सेवोन्मुख जीव होता है उसके जीवन में स्वयं स्फुरित होते हैं, स्वयं प्रकाशमान होते हैं। जिस प्रकार से
हमारे असंख्य प्रयासों के बावजूद भी सूर्य का उदय नहीं हो सकता, लेकिन जब सूर्योदय का निर्दिष्ट समय होता है, यद्यपि हम लोग कोई प्रयास नहीं भी करते हैं, तब भी सूर्य प्रकाशमान हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को हमारे जीवन में प्रकाशित होने के लिए, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन फिर भी बदजीव के हृदय के अंदर भगवान का प्रादुर्भाव हो, उसके लिए उसको क्या करना होगा? पद्म पुराण में बताया, सेवोन्मुखैव जीवादो, सेवोन्मुख होना पड़ेगा। उन्मुखता किस चीज के प्रति होना चाहिए? बोलते सेवा के प्रति। सेवा मतलब ही भजन है, और सेवा मतलब ही नाम का आश्रय है। इसलिए सेवोन्मुख होना मतलब है कि भगवान के चरणों में भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत कामना के उद्देश्य से भगवत प्राप्ति की कामना के उद्देश्य से हम लोगों को भगवान का भजन करना होगा, उनका नाम करना होगा। अक्सर कई दीर्घ काल तक व्यक्ति भगवान की आराधना करने के बाद भी भगवान का दर्शन अथवा भगवान का कृपा अनुभव ना होने का पीछे सबसे प्रथम कारण यही है कि वो उसका साधना, उसका सेवा वास्तविकता में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य से नहीं होता, किसी ना किसी प्रकार के प्रापंचिक प्रयोजनों को लक्ष्य करते हुए होता है। जब व्यक्ति नाम को इस जगत के नश्वर और तुच्छ वस्तुओं के पीछे लगाता है, तो उसको नाम प्रभु का कृपा किस प्रकार से मिलेगा? सर्वप्रथम नाम शुद्ध होना चाहिए, और दूसरा वो केवल भगवान को लक्ष्य करते हुए होना चाहिए। अगर हम लोग अच्छे से हरिनाम करने का प्रयास भी करें, लेकिन हमारे उद्देश्य के अंदर भगवत कृपा लाभ करना नहीं है, तो हमें भगवान का कृपा नहीं मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को बड़े सुंदर तरीका से बता दिया, यद्यपि नाम और नामी में कोई भिन्नता ना होने के बाद भी उनका गुण और उनकी लीला, उनका नाम, उनका सर्वस्व एक होने के बाद भी केवल मात्र सेवोन्मुख ना होने के कारण, भगवान के श्रीनाम का आश्रय ग्रहण ना करने के कारण बदजीव भगवान की उस कृपा से वंचित होकर इस संसार में फंसकर सत्व रजस तमोगुण के द्वारा उत्पीड़ित रहता है। क्या बोलते हैं, इस संसार के सुखों के अंदर फंसकर वो उत्पीड़ित रहने लगता है, जीव उनका गुलाम बनकर अपने जीवन को निर्वाह करने लगता है। ऐसी स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति होता है। जब हम लोग हमारे स्वरूप से, हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन हमारा जीवन उससे पूरी तरह से विपरीत, जो संसार के नाम रूप गुण लीला भोग आदि के चक्कर में फंसता है, तो फिर वास्तविकता में दारुण दुख को अनुभव करता है। जो वस्तु जिस चीज का है, जिस जगह का है, वो वही जाके वही रहकर सुखी रह सकता है। अपने स्वरूप को विकृत करने अथवा अपने लिए जो निर्दिष्ट स्थान है उसका परित्याग करके अन्य स्थान में जाकर भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। हम सब मूल में भगवान के अंश से उत्पन्न होने के कारण हम लोगों का गति, हम लोगों का सब कुछ भगवत पाद पद्म में ही है। हम अगर भगवत पाद पद्म से अपने आप को विमुख करते हैं, तो किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते हैं। वास्तविकता में हमारा जन्म ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में, और भोग भी हमारे जीवन में नहीं है, जन्म भी हमारे जीवन में नहीं है, दुख भी हमारे जीवन में वास्तविकता में नहीं है, फिर भी भगवत विमुख होकर हम लोग इस संसार में जन्म ग्रहण कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने स्वरूप से विपरीत क्रिया को हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से हम सुखी
नहीं हो सकते। यहाँ पर बताया जब व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो केवल मात्र सेवोन्मुख हो जाए, मतलब प्राणों से अथवा अर्थ से अथवा बुद्धि से कुछ नहीं है तो कम से कम वाणी से। और पद्म पुराण में तो स्पष्ट कह दिया कि केवल मात्र वाणी से ही आरंभ करके जब एक साधक भगवत अनुशीलन के मार्ग में चलने लगता है तो भगवान की कृपा से अन्य अन्य इंद्रिय भी उसको भगवत सेवा में नियोजित हो जाएंगे। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान का नाम में रुचि नहीं रखता उस व्यक्ति का भगवत सेवा का रुचि भी नहीं होता। नहीं, हमको लगता है कई बार बहुत सेवा करते हैं करने वाले, वो लोग इस प्रकार से होते हैं, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं, उनका स्वार्थ, उनके लिए जो प्रयोजन उद्देश्य होता है उसी हिसाब से वो लोग भगवान की सेवा को करते हैं, अन्यथा वो लोग उनकी सेवा का वास्तविकता में कोई अन्य मूल्य होता नहीं। जिस प्रकार से दुकान में जाके एक व्यक्ति उसको पैसा दे के आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकानदार को धन का दान कर रहा है, उसके प्रतिफल में वो उधर से कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर के आता है। ठीक उसी प्रकार से दुनिया का व्यक्ति भी भगवान का नाम का आश्रय तो ले रहा है लेकिन उसके प्रतिफल में दुनिया के भोग लेके आता है, इसीलिए वास्तविकता में उसके द्वारा किया गया भगवान का नाम भगवान के लिए कभी भी माना नहीं जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति संसार के सुखों के लिए भगवान का नाम का आश्रय लेता है वो व्यक्ति कभी भी भगवान को अनुभव नहीं कर सकता है अथवा सुखी भी नहीं रह सकता। अंत में वो सत्व रजस तमोगुण का गुलाम बनकर इस संसार में ही पतित हो रहा होता है। भगवान की एक विशेषता है, परमाराध्य श्रील गुरुदेव ने इस बात को बतलाया कि एक व्यक्ति बार बार आके गुरुदेव से कृपा कर याचना करता है तो गुरुदेव उसके जाने के बाद अपने सेवकों को कहते हैं क्या वास्तविकता में गुरुदेव से कृपा मांगना पड़ता है? इसी प्रकार से भगवान से भी हमें कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं है। देखा जाए तो हमको क्यों मांगना है, हमको सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। आप देखेंगे भगवत गीता जी के अंदर भगवान ने स्वयं बता दिया अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हमको भगवान से योग और क्षेम वहन करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस समय हम लोग अनन्य चिंतन के साथ युक्त होकर भगवान की परियोपासना में लग जाते हैं और नित्य निरंतर भगवान के श्री चरणों की सेवा में अपने आप को नियोजित करके रखते हैं, उसके बाद स्वयं भगवान उद्घोषणा करते योग क्षेम वहाम्यहम्, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगा, मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा करूंगा। अब कोई भी व्यक्ति नाम करता हुआ भगवान से बोले कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, ये तो अर्थहीन बात है क्योंकि भगवान ने तो ऑलरेडी उद्घोषणा कर दिया कि तुम अगर मेरे प्रति एकांतिक रूप से शरणागत होता है तुम्हारी हर क्रिया का रक्षा मैं करूंगा। भगवान के उद्घोषणा करने के बाद भी उनसे याचना करना ये सही नहीं होता। भगवान ने उद्घोषणा करने के साथ साथ ये बात भी बता दिया, कंडीशन क्या है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियुपास्ते, अनन्य चिंतन होना जरूरी है। अनन्य चिंतन नान्य इति अनन्य, वहां पर केवल भगवान को केंद्र करते हुए अगर हम लोग चिंतन करते हैं उनका, उनकी सेवा करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, स्वार्थ परमार्थ दोनों को सिद्ध कर देते हैं। मतलब है कि जब तक हम इस संसार के अंदर हैं तो संसार की हर चीज को सुंदर और सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था स्वयं गोविंद ही कर देते हैं। इसीलिए हमें
एक कहावत भी है, बिनु मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर आप नहीं मांगते हैं तो कृपा करके मोती भी मिल जाएगा, लेकिन याचना करने वाला व्यक्ति उसको तो भीख भी नहीं मिलेगा। ये एक सृष्टि का धर्म है। इसलिए भगवान से हम लोग दुनिया की वस्तु को मांगते हैं तो वास्तविकता में हम लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि हमने भगवान के साथ अपना संपर्क साधा ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मांग रहे हैं। क्या मांगना चाहिए? बोलते हैं शास्त्र बतला रहे, अगर मांगना ही है भगवान से तो केवल उनके प्रिय भक्तों का संगति को मांगो, उससे मुझे क्या लाभ होगा। वो बोलते हैं भक्त के संगति से भगवान के प्रति अनुराग वर्धन होगा। जिन्हें बोलते भक्त्यस्त भगवत भक्त संगेन परिजायते, मतलब है कि मैं अपनी प्रयास करते हुए, नाम करते हुए, मैं भगवान के चरणों में अनुराग अपना पैदा नहीं कर पा रहा हूं, इसी कारण से अगर मुझको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है तो भक्तों के कृपा से निश्चित रूप से मैं भगवान का चरणानुरागी हो सकता हूँ। इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करनी कि आप अपने प्रियजनों का संगति आप मुझे प्रदान कर दीजिए, मुझे और किसी भी चीज की कामना नहीं है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत जी के अंदर वृत्रासुर ने भगवान से ही प्रार्थना किया। क्या बोलते हैं, ममोत्तम श्लोक जनेश सख्याम, मैं कुछ एक ही चीज का कामना करता हूँ, वो है आपके प्रिय भक्तों के संगति का कामना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। सच कह रहे हो? बोलते हाँ, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, मेरे कर्मों के कारण मैं संसार के चक्र में घूमने के लिए भी तैयार हूं, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आपके प्रिय भक्तों का संगति आप प्रदान करें नाथ। ऐसे करके वृत्रासुर भी प्रार्थना कर रहे जो कि असुर योनि में है। ऐसे असंख्य दृष्टांत है हमारे शास्त्रों में जहां पर भगवान के श्रीचरण अनुरागी भक्त केवल भगवान के प्रिय भक्तों का संगति की ही कामना कर रहे हैं। उसका पीछे मुख्य अभिप्राय यही है कि भक्त संगति हुआ तो भगवान के चरणों में अनुराग होगा, भगवान के चरणों में अनुराग हुआ तो हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही सिद्ध हो जाएगा। एक बात हम लोगों को समझना होगा, भगवान निष्ठुर नहीं है कि उनके पाद पद्म को आश्रय ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको अपने चरणों से दूर करे। भगवान निष्ठुर नहीं है जो उनके चरणों अनुरागी होता है उसका इस संसार के दुखों में डुबा दे। कई लोगों के अपने कर्मों के दोष से सुख अथवा दुख प्राप्त होता है, और जब दुख प्राप्त होता है वो लोग भगवान का ही दोष देने लगते हैं कि हम तो भगवान का भजन करने आया था, हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं निकला अथवा इत्यादि। भगवान हम लोगों के द्वारा किए हुए सारे दुष्कर्मों को समाप्त करके हम पर कृपा कर दे, अगर हम ऐसी कामना रखते हैं तो उसके लिए हमें बड़े बड़े समर्पण और निष्ठा के साथ में साधना करना होगा। और जो उस श्रेणी का जो साधक होगा वो कभी भी भगवान से इस तरह की याचना करता नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं कृपा करके उसके संचित और उसके प्रारब्ध कर्म और कर्मों के जो फल होते हैं उन सबको समाप्त कर देते हैं। इसलिए बोल दिया यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठया विनाश माया विना न हो गई अपैति नाम स्पुरणे तत्ते प्रारब्ध कर्मे विरोध वेद। मतलब है कि कोई भी साधन को हम लोग करके अपने प्रारब्ध कर्मों को ध्वंस नहीं कर सकते, यहाँ तक कि ब्रह्म का अनुसंधान करके भी हम लोग अपने प्रारब्ध कर्मों के दोष के निवारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का श्री नाम का आभास हो जाने पर वो बोलते हैं अपने आप ही प्रारब्ध कर्म आदि उसके कर्म फल सब वंश हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को हमारे द्वारा
किए गए कर्मों के जो फल होता है उस कर्म फल से अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को भगवान के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न हो उस तरह की चेष्टाओं को करनी चाहिए। अगर भगवत पाद पद में अनुराग उत्पन्न हो गया तो सारा काम स्वयं भगवान ही कर देते हैं। अगर अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तो हम लोगों का ये परम दौर्भाग्य होगा, हम लोग ये त्रिगुण के दास बनकर, सत्व रजस तमोगुण के दास बनकर इस संसार में पड़के ये जगत के जो नश्वर भोग आदि हैं उनको भोग करते हुए अपने आप के साथ में अन्याय कर रहे होंगे। आगे बता रहे हैं भगवान का दिव्य नाम और उसके बाद नाम का अभ्यास, इसका बड़े सुंदर तरीका से प्रेरणात्मक विधि से हमारे सामने एक महान दृष्टांत है। वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रियतम पार्षद, प्रियतम परिकर के रूप में हमारे आगे प्रकट हुआ। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म को प्रवर्तन किया ही है, वो साथ ही उन्होंने युग धर्म को भी प्रवर्तन किया। कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन। एक चीज हमको समझना होगा कि संसार का अर्थ ही संसरति इति संसार, मतलब नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, एक जैसे रहता नहीं है, निरंतर बदलता रहता है। मतलब है कि एक स्रोत की तरह चल रहा होता है, यहाँ कुछ भी स्थाई नहीं होता। हम लोग अगर सोचे कोई भी चीज स्थाई है वो असंभव है, ये नित्य धाम नहीं है। उस नित्य धाम के अंदर सब कुछ एक जैसा होता है, वहां कोई भी चीज में विकार नहीं होता, यहाँ पर विकार होता है। आप देखेंगे विकार होने के कारण ही हमारे शास्त्र में बताया तक्रम देव दुर्लभम, मतलब है कि दूध का विकार जो है ऊर्ध्व लोकों में नहीं होता, इसीलिए दही ऐसे बनता नहीं है। विकार जो है ये संसार में ही संभव है, विकार जो है ऊर्ध्व लोकों में संभव नहीं होता, वहां पर विकार नहीं होते। इसीलिए जहां पर विकार आता है वो लेकिन ब्रह्मा उसका ब्रह्मलोक तक का विकार होते हैं, क्योंकि ये सारा संसार का हिस्सा होता है। विरजा के उस पार में परव्योम में प्रवेश करने के बाद किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, इसीलिए परिवर्तन बोल करके वहां कुछ होता नहीं है, वहां नश्वर बोल करके कुछ भी नहीं होता। बाकी सब जगह पर नश्वर है लेकिन वहां पर नश्वर बोल करके कुछ भी नहीं होता है। इस कारण से वहां एक धर्म एक जाति सब कुछ एक होता है, लेकिन इस संसार के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील होता है, इसीलिए युग भी परिवर्तित होते रहते हैं। वहां पर सब कुछ चिर वसंत रहता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अनेक प्रकार के मौसम भी बदलते, युग भी बदलते, युग धर्म भी बदलते, सब कुछ बदलते होते हैं। वहां पर जो एक वस्तु होने के बाद भी वो एक वस्तु की इतनी गहराई है, एक वस्तु की इतनी गहराई है उसके अंदर उतरने के बाद जीव अन्य किसी और वस्तु के प्रति अपने ध्यान को लेके जा ही नहीं सकता। लेकिन इस संसार के अंदर निवृत्ति नाम का चीज है, इसीलिए कोई भी वस्तु के प्रति किसी का भी आकर्षण होता है वो आकर्षण क्षणिक ही होता है, वो तत्कालीन होता है। इससे इसके अतिरिक्त उसके अंदर स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है, उसके अंदर स्थायित्व देखने को नहीं मिलता है, यही विशेषता जो हो। इसी कारण से इस युग के अंदर यहाँ पर युग धर्म के रूप में प्रवर्तित हुआ है हरिनाम संकीर्तन, इसलिए बोल दिया ये हरिनाम संकीर्तन जो कि युग धर्म है उसको कौन प्रवर्तन करेगा। धर्म की स्थापना
और धर्म का प्रवर्तन केवल मात्र भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि मूर्तिमान धर्म तो भगवान ही है और कोई भी नहीं है। इसीलिए भगवान का ये जो धर्म है, भागवत धर्म अथवा जो हमारे युग धर्म, जो कोई भी धर्म है, वो केवल स्वयं भगवान ही उसकी स्थापना कर सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं। इसीलिए भगवान ने जो युग धर्म को प्रवर्तन किया, उसी युग धर्म का आचरण करते हुए उनके प्रिय भक्त के रूप में अवतीर्ण हुए हैं श्री नामाचार्य, जिनका श्री नाम है हरिदास ठाकुर। वही इस नाम का और नाम आचार्य होने का और साथ ही इसका अब नाम का अभ्यास करते हुए इस जगत को प्रेरणा देने का जो महान कार्य है, स्वयं उन्होंने ही किया है। इसलिए बोल रहे हैं उनका जो जीवन और उनका जो अभ्यास भगवान के नाम का जाप करने का जीवंत रूप में हमारे सामने देखने को मिलता है। मतलब है कि आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व इस संसार के अंदर अवतीर्ण होकर वो नाम प्रभु के अत्यंत प्रियतम पार्षद बनकर प्रकट हुए हैं। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उनके आदर्श पूर्ण चरित्र ने उनको नामाचारी का उपाधि प्रदान किया है। नामाचार्य उनका नाम से संबोधन किया जाता था उनको। नामाचार्य मतलब क्या है, वो नाम के आचार्य हैं। नाम के आचार्य मतलब क्या है, वो हरिनाम करने में, वो बोलते हैं भगवान के नाम करने में इस प्रकार से उनका आचरण है, वो नाम के किस प्रकार से करना होता है और नाम में अनुराग कैसा उत्पन्न कराना होता है, ये सारी चीजों को शिक्षा देने वाले वो आचार्य के रूप में प्रकट हुए हैं। वो बोलते हैं ऐसे उनके अलौकिक जीवन में घटित जितने भी दिव्य घटनाएं हैं, वो सारी घटनाओं को देखने से पूर्व में हमने जो भी नाम की महिमा में जो कुछ भी श्रवण किया है, वो सब हमारे आगे दृष्टांत के रूप में दिखलाई पड़ेगा। मतलब जो नाम का सिद्धांत है, वो एक दृष्टांत के रूप में हमारे आंखों के सामने स्पष्ट रूप से दिखलाई देगा। ये जो युग धर्म को प्रवर्तन करना ही एक मुख्य उद्देश्य के रूप में, प्रेम धर्म को प्रवर्तन तो करना था ही, लेकिन युग के अनुसार इस युग धर्म को भी प्रवर्तन करना चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होने का एक मुख्य कारण भी है। बोलते हैं यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस नाम की महिमा को प्रचार प्रसार इत्यादि खूब किया और असंख्य भक्तों को प्रेरणा भी दी, लेकिन वही श्री चैतन्य महाप्रभु अपने इस प्रयोजन को कई बार अपने प्रिय भक्तों के द्वारा सिद्ध भी किया है। उनमें से जो मुख्य हैं श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज, वो बहुत बड़े भक्त हुए हैं। और बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन के अंदर उन्होंने आचरण करते हुए अपने भगवान के श्री नाम की जो महिमा है, उसको जगत के साथ में परिचय कराया। उन्होंने इस संसार को नाम की महिमा परिचय कराया और साथ ही ऐसा अभ्यास का शिक्षा भी दिया। और साथ में उन्होंने क्या किया, अपने जीवन के माध्यम से ये भी बतलाया किस प्रकार से नाम का सहारा लेकर व्यक्ति अपने चरम प्रयोजनीय वस्तु को प्राप्त करता है। वो अपने चरम प्रयोजनीय वस्तु को किस प्रकार से प्राप्त करता है। चरम प्रयोजनीय वस्तु क्या है, हमने पहले ही चर्चा किया, वो है
भगवत प्रेम, वो भगवत प्रेम ही एकमात्र प्रयोजनीय वस्तु है। और प्रेम को प्राप्त करने वाला जीव इस संसार का नहीं हो सकता। ये संसार का बद्ध कोई भी जीव नहीं हो सकता। इसीलिए प्रेम प्राप्ति हुआ है मतलब है कि वो इस संसार का नहीं रहा है। अब वो अवस्था हम लोगों को कहां से मिलता है? बोलते हैं नाम का आचरण करने से मिलता है। बोलते हैं कि ऐसे महान विभूतियों का दिव्य उपदेश एवं उनके वैभव और उनका आचरण जो है वो असंख्य व्यक्तियों को भाग्य को बदलता है और उन सबको प्रेरणा भी देता है, जिससे वो लोग परमार्थिक पथ के ऊपर चलने के लिए प्रेरित हो। आप देखेंगे जैसे परमाराध्य श्री गुरुदेव के दिव्य आचरण एक प्रेरणा है, उसी को प्रेरित होकर, उसी से प्रेरित होके असंख्य भक्तों ने भगवान का भजन करने का संकल्प अपने जीवन में स्थिर किया। इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे कि शुद्ध भक्तों का एक वैशिष्ट होता है, उनके आचरण से, उनके जीवन से हम लोगों को ये समझने अथवा सीखने को मिलता है कि भगवान का नाम की विशेषता क्या है और क्या बोल रहे हैं। वो ऐसी प्रेरणा देता है कि वो साधक भगवत प्राप्ति के पद पे अग्रसर होने लगता है, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने लगता है। और बोलते हैं ऐसे महान जो विभूति है वो इस प्रकार से एक आकर्षण अपने अंदर रखते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति पीछे भाग नहीं सकता, दूर नहीं भाग सकता। इस प्रकार का एक आकर्षण उनके जीवन में होता है। वो लोग कोई भी उनके संसर्ग में आने के बाद वो कोई भी व्यक्ति उनसे पीछे नहीं भाग सकता। बोलते हैं इस संसार के अंदर और उस आध्यात्मिक जगत के अंदर भी ये जितने भी महान विभूतियां हैं, मतलब ये जो शुद्ध भक्त हैं, वो सब उनके संघर्ष, उनका व्यक्तित्व, उनके निस्वार्थ समर्पण भगवान के प्रति और भगवान के सेवा के प्रति अथवा और कोई महत् कार्य जो उन्होंने संकल्प किया, वो जो कुछ भी होता है वो सब हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का उद्गम होता है। उसके संसर्ग में जो कोई भी आता है वो उसके अंदर प्रेरणा का उद्गम होता है। हमारा पवित्र धरित्री, हमारी मातृभूमि, ये अखंड भारत के अंदर ऐसे असंख्य महान भावों का चरित्र से भरा हुआ है, लेकिन ये सारी चरित्र कोई इस प्रकार का त्याग और बलिदान और महोन्नत शिक्षा के शिक्षक रहे उन महान विभूतियों के चरित्र से हमारा ये पवित्र भूमि सराबोर हो गया। लेकिन वास्तविकता में ये सब चरित्र और ये सब साधनों के द्वारा एक आंशिक रूप से शांति, आंशिक रूप से सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनंत आनंद की जो अनुभूति है वो कभी भी इनसे भी हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा, वो कभी भी हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। परम शांति का प्राप्ति का एकमात्र उपाय है वो है जो भगवत भक्त होते हैं, जो लोग भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से इस संसार के अंदर अवतीर्ण होकर अपना एकमात्र उद्देश्य के रूप में भगवत भक्ति का आचरण करते हुए और भगवत भक्ति का ही शिक्षा को प्रवर्तन आदि करते हैं,
ऐसे ही लोगों की शिक्षा से मानव समाज का कल्याण हो सकता है। अन्य किसी के द्वारा कभी भी किसी भी जीव का परम मंगल होगा ऐसी कोई भी विधान निश्चित नहीं हुआ है। इसीलिए बोलते असंख्य महान भावों का जीवन से हमारा भारतवर्ष गौरव अनुभव करने के बावजूद भी एक व्यक्ति को, एक साधक को मुख्य रूप से जो भगवत भक्त होते हैं उनके ही जीवन को श्रवण करके, उनके ही जीवन के अंदर के अपने दिव्य आचरण को श्रवण करके उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाने चाहिए, ऐसे हमारे आचार्य हमको बतला रहे हैं। उसी श्रेणी में आए हुए असंख्य भक्तों में से एक भक्त जिनका श्री राम हरिदास ठाकुर है। हरिदास मतलब है कि हरि के दास। हम लोग सारे भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के श्री हरि के नित्य दास है। ये हरिदास ठाकुर जी महाराज, उनका नाम हरिदास है और वो हरि के अतिरिक्त कुछ और नहीं जानते हैं, हरिनाम के अतिरिक्त कुछ और वो समझते ही नहीं है। ऐसे नाम के प्रति निष्ठा रखने वाले नामनिष्ठ श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी उन असंख्य भक्तों में से एक भक्त है जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद है और श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को अभीष्ट को इस जगत के आगे प्रकाशित भी किया। महाप्रभु के मन का अभीष्ट क्या है? युग धर्म श्री नाम का प्रवर्तन। इतना ही नहीं, नाम का प्रवर्तन करते हुए नाम का जो अमृत है उस अमृत को सभी को पान कराकर रस प्रदान करना। इसीलिए श्री नाम सुधा रूपी जो रस है उसको जगत को विस्तार करने, वितरण करने का जो महोन्नत कार्य है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने करने का इच्छा किया, उसके लिए उन्होंने एक मूर्तिमान उदाहरण के स्वरूप में श्रीला हरिदास ठाकुर जी महाराज को हमारे सामने रखा। इसीलिए हम लोग हरिदास ठाकुर के जीवन में किस प्रकार से नाम प्रभु का प्रभाव से क्या क्या घटनाएं, लीलाएं घटा, उसके बारे में हम लोग आगे आगे श्रवण करेंगे। अभी तक हम लोगों ने समझने का कोशिश किया एक सिद्धांतिक रूप से। वैसे तो आगे भी बहुत सारा सिद्धांत है, फिर भी हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे हरिदास ठाकुर के लीला के माध्यम से किस प्रकार से नाम प्रभु के चरणों में अनुराग दृढ़ किया जाता है और किस प्रकार से नाम प्रभु के कृपा से ये संसार के दुख जाला से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त किया जाता है। आगे की चर्चा कल। पांचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो